हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, तो हम आप सभी के लिए इंडियन आर्मी का एक सुनहरा जॉब लेकर आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पर दिया गया है। जो कहां पर निकाला गया है और इसका क्या आप सभी का एलिजिबिलिटी रहने वाला है, आप वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सब वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि सेना भर्ती रैली 2021 के लिए यह रैली निकाली गई है, जिसमें कि इंडियन आर्मी में 10वीं और 12वीं पास से आवेदन कर सकते हैं सिपाही जीडी क्लर्क भर्ती के लिए, जीडी और क्लर्क दोनों भर्ती के लिए। तो कहां पर इसको निकाला गया है, तो यहां पर जैसे यहां पर बताया गया है कि यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिलासपुर और ऊना के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए अच्छा मौका दिया गया है। ऊना के इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम में यह 1 मार्च 2016 से 16 मार्च 2021 के बीच सेना रैली आयोजित की गई है। अगर आप भी चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन इंडियन आर्मी से फॉर्म फिलअप कर वहाँ पर 1 मार्च 2021 से लेकर 16 मार्च 2021 के बीच आप सेना भर्ती में आयोजित हो सकते हैं। यहाँ पर आप सभी का एडमिट कार्ड 15 फरवरी 2021 को अभ्यर्थियों के ईमेल पर भेज दिए जाएंगे, जहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया गया है कि सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए, तो वायु सीमा आप सभी को बता दें कि 17.5 या इससे लेकर 21 वर्ष तक रखा गया है, जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ हो तो यह भर सकते हैं। कम से कम 99 होना चाहिए, 1 अक्टूबर 99, और उसके बाद ज़्यादा कितना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2003 के बीच में आप सभी का होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 45% मार्क्स के साथ 10वीं पास एवं हर विषय में आप सभी का 33% मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सिपाही क्लर्क के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी का वायु सीमा 17.5 रहने वाला है, और 17.5 से 23, जिनका जन्म आप सभी का 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 60% आप सभी का इसमें क्लर्क के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद आप सभी का स्ट्रीम भी 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही किसी भी स्ट्रीम से आप सभी को हो सकते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस से हो सकते हैं, और आप सभी को 12वीं पास होने चाहिए, और हर विषय में आप सभी का 50% मार्क्स होना भी जरूरी है। और 12वीं में इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंट्स बुक्स का कैंपिंग में 50% आप सभी का मार्क्स होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर बताया गया। और इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो कि आप सभी का यहाँ पर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से यह डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ या यहीं पर आइएगा, हम इसका लिंक दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होइएगा तो इसका सब हम लिंक दे देंगे, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है चयन का क्या प्रक्रिया रहेगा, तो आप सभी का शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है भर्ती रैली में 2 दस्तावेज लाना ना भूले। आप सभी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद ओरिजिनल जाति शैक्षणिक प्रमाण पत्र और फोटो कॉपी के 2-2 सेट आप सभी के साथ होना चाहिए। फोटो की 20 कॉपियाँ और फोटो 3 माह के ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो भी हो तो वह 3 माह के ज़्यादा पुरानी ना हो, और डोमिसाइड सर्टिफिकेट भी आप सभी के सामने होना चाहिए। तो यही था आप सभी का नोटिफिकेशन। अगर आप किसी भी राज्य से या किसी भी क्षेत्र से अगर जाना चाहते हैं, तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अगर फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यही था एक छोटा सा नोटिफिकेशन, जो कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।